नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। 12 साल की बच्ची से रेप के आरोपी भरत सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश में वह घायल हो गया। पुलिस आरोपी को घटनास्थल पर लेकर गई थी। उसी दौरान आरोपी ने पुलिस वालों को झटका दिया और भागने की कोशिश की। उसे पकड़ने की कोशिश में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। भरत सोनी मेवाड़ा है जी, और इसने ही उस नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। इसको साइबर टेक्निक के हिसाब से पकड़ा गया था। आज हम लोग जीवन खेड़ी में जिस स्थान पे इसने बलात्कार किया था उस स्थान पे ले जाकर घटनास्थल का नक्शा मौका पर जो पीड़िता थे उसके सारे कपड़े फटफटा के थे जिसकी जब्ती करने के लिए हम लोग गए थे। वहाँ पर इसने जैसे ही देखा कि पुलिस जो है अपने काम में लगी तो इसने छुड़ा करके भागने का प्रयास किया। पुलिस ने इनका पीछा किया तो ये वहाँ उससे सीमेंटेड रोड है उसे टकरा के गिरे जिससे इनको चोट आई है और शिकार इनको चोट लगी है। जिसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी भी जो है उनको भी चोट हुई है, जिसमें प्रधान आरक्षक सुनील है और एक हमारे साइबर के उपनिरीक्षक प्रीतेश जी उनको भी चोटें आई। बिल्कुल भी गोली नहीं चली, ना ही पुलिस ने किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य किया जिससे उसके मानवाधिकार का उल्लंघन हो, ऐसा मैं कार्य किया। उसी के बाद से उन्हें उसी घटनास्थल को लेकर आरोपी ने जो दरिंदगी की जीवन पीढ़ी के पास एक रास्ता है, सीमेंटेड रोड बना है, सीमेंटेड रोड से आगे घटना हुई। आरोपी मुद्दा ही नाना खेड़ा का रहने वाला। कितने आरोपी है टोटल इसके अलावा? एक ही आरोपी अरेस्ट हुआ। क्या नाम? भारत सोनी। सबसे पहले इसी को बच्ची मिली थी या फिर इसको बाद में मिली? क्या कुछ दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति है ये?